दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम थक गई होगी, मैं साय बना देती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मिताली की गाड़ी जैसे ही घर के पास रुकी, बोलते हुए काम वाली भाई सरला, मीतू भाई आ गई। उसका सामान उतारने आगे बड़ी सत से कपड़े उठाते हुए नीलम जी ने तेज से आवाज लगाई, रुक जा सरला, सामान कोई भारी नहीं है, उतना तो मीतू खुद भी लेकर आ सकती है। इतना सुनते ही सरला ने कदम पीछे कर लिए और अपनी बेटी मिनी व रिया के साथ मीतू नीचे उतरी। मोहन उसी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल गए। मिताली के ससुराल में उसकी दो देवरानी, उनके बच्चे व पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। सबसे बड़ी मीतू थी। नीलम जी मीतू की सासू माँ और नरेश जी उसके ससुर रिटायर्ड ऑफिसर थे। नीलम जी बहुत तुनक मिजाज और गुस्सैल व नरेश जी उतने ही शांत मिजाज के थे। उनकी नीलम जी के आगे एक न सलती थी। कहने को तो सब पढ़े लिखे और बुद्धि कुएं के मेंढक सी। गर्मी की छुट्टियों में शादी ब्याह आने जाने का सिलसिला तो लगा ही रहता है। वैसे ही इस बार मिताली अपने भाई की शादी एंजॉय करके ससुराल लौटी थी। उसी दिन विवाह मिताली की ननद भी गर्मी की छुट्टियां बिताने मायके आई हुई थी। आते ही सबने उससे पूछना शुरू कर दिया, भाभी क्या मिला शादी में, हमें भी तो दिखाइए। ये हर बार का क्रम था। मीतू साधारण से परिवार के पांच भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। जब भी उसका जाना होता शादी में, हर बार उससे यही पूछा जाता, पर उसे दिखावे में ज्यादा यकीन नहीं था, न तो मायके से लेना पसंद था। विवाह ने हंसते हुए सुटकी ली, इंजीनियर भाई की शादी थी, माल तो तगड़ा ही मिला होगा। फिर उसकी देवरानियों ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमें तो हर बार कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, खाली हाथ तो कभी आने नहीं देती माँ। आज भी याद है मिताली को वो दिन। उसने भी ठान लिया था कि मिला हुआ उपहार या सोने की चीज दिखाने के बाद भी लोग मजाक बनाते थे, ताने कसते थे। जब वो अपनापन सोचकर खुशी से दिखाती थी, देखिए मम्मी जी ये साड़ी मिली, ये अंगूठी मिली आदि, तब मुंह टेढ़ा करके सब यही बोलते थे कि बहुत हल्का है, ठग दिया घर वालों ने देकर। नीलम जी खाकर हाथ पोछते हुए सबके बीच आ गई और अब उनकी बारी थी। उन्होंने पूछा, इस बार मायके में कुछ नहीं मिला क्या बहू, हमें देखो, हम तो बेटे को हमेशा ठोस व भारी बनवा कर देते हैं, उसे जो चाहिए वैसा पूरा करते हैं। सस तुम शादी में भी कुछ नहीं लाई तो मुझे लगा बाद में सब मिलेगा, पर ये क्या, इस बार तो हद ही हो गई। कभी जो छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे, इस बार वो भी नहीं। इस बार मिताली भी सामना करने को तैयार थी। उसने सांसें खींची और एक सुर में बोलना शुरू किया, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने जिंदगी जीने के लिए अच्छा जीवन साथी दिया, उन्होंने मेरे घर से एक चीज लेना उचित नहीं समझा,
ये कहकर कि हमें किसी चीज की कमी नहीं, धन्य हो गए मेरे घर वाले, और क्या चाहिए। मैं कभी मांग नहीं सकती, जो देते हैं उसी में खुश रहती हूँ। मेरा वश चले तो मैं उनकी मदद करूं, लेकिन उनसे एक भी पैसे न लूं। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना, किसे भारी और किसे हल्का मिला। एहसास मंद हूं उनकी, जिन्होंने इतना अच्छा जीवन साथी खोजा, और उनकी भी जिन्होंने इतनी ऊंची सोच दी। दहेज जितना देना था दे दिया, बाकी इससे जहादा मुझे एक पैसे की उम्मीद नहीं है। रही बात कुछ नहीं मिलने की, तो क्यों दिखाऊं क्या मिला। मुझे उस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनना कि किसे कितना भारी मिला। प्यार से जो मिला वो हर बार रख ली, और इस बार भी सबकी सांसें उसकी बातें सुनकर गले में ही अटक गई। नीलम जी अंदर ही अंदर सोचने लगी, बचपन से ही उनका बड़ा बेटा मोहन सब भाई बहनों से अलग सोच रखता था। उन्हें मिताली के शब्दों से गुस्सा नहीं आ रहा था, बस अंत द्वंद ये चल रहा था कि कैसे हैं मेरे और बच्चे। विवाह उसके पति मोहन ने तो अनजाने में ही अपने संचकारों से मेरा नाम रोशन कर दिया। खुद को टटोलते हुए सोच रही थी वो, कैसे मायके में विवाह की तरह वो भी जिद करती थी, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। लेकिन आज एहसास हो रहा था बड़पन और प्यार मांग कर लेने में नहीं, संतुष्टि से स्वीकार करने में है। जल्दी से उठ, पर नीलम जी सबके लिए साए बनाने लगी। मिताली ने हाथ से कप लेते हुए कहा, मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप बैठिए। नीलम जी ने उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में बैठाते हुए कहा, थक गई हैं, बाहर से आकर मैं बना लेती हूँ, साथ बैठकर पिएंगे। अचानक हुए इस चमत्कारी परिवर्तन किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसकी देवरानिया व ननद अंदर नजरों से तरेर रही थी, वह नीलम जी के उस भाव को पढ़ना सहा रही थी जो पहली बार देखने मिला था। सस मांग के जो चीज मिले उसमें वो बात कहां, जो प्यार व आदर से दिया जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।